फतेहाबाद में बीच बाजार कुछ दबंगों द्वारा दुकानदार को दुकान में घुसकर पीटने का मामला प्रकाश में आया है। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को बिना कार्यवाही के ही छोड़ दिया था। घटना का वीडियो सामने आने और मीडिया में खबरों के आने के बाद जाकर पुलिस हरकत में आई और 24 घंटे बाद इस मामले में आज पुलिस ने FIR दर्ज की है। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन आरोपियों ने दुकान में घुसकर दुकानदार और उसके भाई को पीटना शुरू कर दिया। इस मामले में पुलिस इस कदर घबराई हुई थी कि पुलिस ने वारदात के 24 घंटे बाद जाकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। इतना ही नहीं, पुलिस नामजद किए गए सभी आरोपियों के नाम तक नहीं बता पा रही है। मामले की जानकारी देते हुए DSP ने बताया कि दुकानदार की शिकायत पर मारपीट व झगड़े के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये इस तरह से थोड़ा पैसे का लेन देन था, पैसे का लेन देन था, हमने पैसे दे रहे थे, फिर भी एक गुंडा दे दिया, 4 आदमी आए, हमें लट लेकर पिटा दोनों भाइयों को। हमारी दुकान में गल्लों में हाथ भी मारे, पैसे की भी बिखरे पड़े हुए, वीडियो भी बनी हुई वहाँ पे। तो एक वो अशोक मित्तल, उनके 2 लड़के, उनकी मिसिज, 4 आदमी थे जी। उनके पास में गाडी भी बंदे थे, पता नहीं वो कौन थे, और धमकी भी दे रहे थे, तुम्हारे घर बंद करा देंगे, तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। आदमी थे 4, एक लेडीज थी, वो 3। झगड़े की हमारे पास कंप्लेंट आ गई है, उस पर अभियोग अंकित कर दिया गया, जाँच जारी है। जहाँ तक पुलिस के साथ कोई ताल्लुक है, हमने अपने सभी मुलाजमों से वेरीफाई कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं। मुलाजम को जब इतला मिली तो PCR वहाँ पहुँची और उनको अलग अलग करते हुए उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट आई है उसके बारे में अभियोग अंकित कर लिया, जांच जारी है। जिस लड़ाई झगड़े की जो धाराएं हैं वो लगे।